ये जो व्यू देख रहे हो ना, देखने में तो काफी खूबसूरत लग रहा है और डरावना भी लग रहा है, मतलब डर भी लग रहा है और काफी खूबसूरत भी लग रहा है। बारूद बिक चुका है अभी और मेरे को लग रहा है कि बुखार मेरे को होने वाला है। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? और मैं अभी पौंडी बाजार आ चुका हूँ, मतलब थोड़ा काम है मेरे को इधर, मतलब थोड़ा मेरे को डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब ठीक करना था। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और आज मतलब बहुत कितना 33 या 34 डिग्री तक मतलब गर्मी चल रहा है। और यह पौंडी बाजार देख सकते हो। तो गाइज, मैं आया था और सोच रहा था कि बहुत मतलब लेट होगा और बहुत मगजमारी करना पड़ेगा आधार कार्ड मतलब ठीक करने में। और ये मतलब जगह है, ये इधर आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सब कुछ मतलब ठीक वगैरह होता है, मतलब चेंज भी कर सकते हो आप और ठीक भी कर सकते हो, कोई अगर नाम में या कोई नंबर भी थोड़ा उल्टा उल्टा है। और अभी सीधा चलते हैं मरीना बीच की तरफ, उधर नहाएंगे, मस्त इंजॉय करेंगे। अभी आप लोग मतलब मौसम देख सकते हो, करीबन 1 बजे पूरा धूप था, मतलब भयंकर वाला धूप था और अभी 3 बज रहा है और अभी का मौसम आप लोग देख सकते हो, पूरा अंधेरा अंधेरा हो चुका है। और मैं अभी रूम जाके टी शर्ट चेंज करके आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं बीच की तरफ स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग पूल में मतलब नहाने के लिए पूल में। और अगर बारिश ना आए तो अच्छी बात है, अगर बारिश आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, नहा नहीं पाएंगे। और बारिश के टाइम में, बारिश में नहाएंगे तो बुखार उखार हो सकता है। और अभी देखते हैं, चलो। तो गाइस, अभी हम बीच में आ चुके हैं और ये देख रहे हो, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है मतलब क्या यार, बहुत ख़तरनाक बारिश होने वाला है ऐसा लग रहा है ना। तो गाइस, ये सब जगहों पे मेरा ये शायद ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ ये ब्लॉग शायद लास्ट हो सकता है, क्योंकि उसका रीज़न है मैं नेक्स्ट वीक घर जा रहा हूँ और घर जा रहा हूँ तो इधर तो चेन्नई में रहूँगा नहीं मैं। ये सब चीज़ मतलब जो भी है, जितने भी ब्लॉग्स इधर में बनाया हुआ है मैंने, तो ये सब लास्ट ब्लॉग, ये जो ब्लॉग है ये लास्ट होने वाला है। और नेक्स्ट वीक आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, मैं गाँव जा रहा हूँ पी करके। ये क्या है भाई, ये देख रहे हो ना, ये सब क्या है? हाँ, ये कौन सा मतलब क्या है, ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? आप लोग कुछ बताओ। ये सब नजारा मैं उससे पहले कभी नहीं देखा, आज आगे देख रहा हूँ क्या है ये सब। तो गाइस, थोड़ा टाइम पहले हवा हुआ मतलब नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, बट अभी अंधेरा भी है, हवा भी है। तो गाइस, अभी के टाइम में ना ऐसा ही अंधेरा रहेगा ना, ऐसा ही अंधेरा रहेगा और बारिश नहीं आएगी ना, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इधर। अभी तक 3:30 बज रहा है और अंधेरा होते होते मतलब नाइट होते होते 6:30-7 बजे होता है, मतलब पूरा अंधेरा हो जाता है। बट अभी तो अंधेरा है, बट अगर बारिश नहीं आएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। गाइस, ये जो व्यू देख रहे हो ना, देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और डरावना भी लग रहा है, मतलब डर भी लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। गाइस देखो, कहते ही बोलते ही बारिश आ गया, देख रहे हो पूरा खतरनाक बारिश हो रहा है। तो गाइस, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी नाइट का समय है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अचानक से बारिश आ गया। मैं उधर वो जो आगे की तरफ उधर स्विमिंग पूल में जा ही रहा था और इधर तक पहुंचा, ये जो जगह है ना इधर तक पहुंचा और धड़ाधड़ करके ना बड़ा बड़ा फोटा करके मतलब पानी गिरने लग गया, बारिश होने लग गया और अभी तो पूरा भीग चुका है, देख रहे हो आप लोग सर से भी पानी निकल रहा है, पूरा फुल टू फुल बारिश हो रहा है और सर उर पूरा मतलब बार उर भीग चुका है अभी। और मेरे को लग रहा है कि बुखार मेरे को होने वाला है, बुखार होगा तो भाई थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। और अभी देखते हैं, जब तक बारिश नहीं रुकता तब तक हम इधर ही है,
और बारिश रुकने के बाद और स्विमिंग पूल में नहा के मतलब फ़ायदा नहीं है। अभी तो हम लोगों ने नहा ही लिया। तो गाइस अभी मैं टी शर्ट मतलब खोल लिया क्योंकि मतलब पूरा टी शर्ट भीग चुका था, ये देख रहे हो पूरा टी शर्ट भिगा हुआ है, इसीलिए टी शर्ट खोलना पड़ा मेरे को। और लाइक दिस बारिश तो गाइज अभी तो मौसम मतलब काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका है। साफ बोले तो इधर पानी है लेकिन आप देख सकते हो पहले के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है मौसम। तो गाइज फिलहाल मैं इस ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। आई होप तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ब्लॉग को शेयर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइज, फिर मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी तो नाइट का समय हो रहा है इसीलिए गुड नाइट।